जय हिंद, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय में। और आज आपका टेस्ट है 125 क्वेश्चन का और मैं 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपका 25 मार्क का होगा और एक एडिशनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अगर इसमें आपके 90% सही है तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं और आपको बताना है। ठीक है, खेल प्रशिक्षण से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, TGT फिजिकल एजुकेशन एग्जाम, ये हेडिंग डाल चल रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, खेल तकनीक को सुधारना। बी, मानसिक और शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना। सी, खिलाड़ियों को पेशेवर स्तर पर तैयार करना। और डी, उपरोक्त सही। सही उत्तर बताइए इसका। और इसका उत्तर होगा, मेरे उत्तर बताने से पहले बताना है, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। खेल प्रशिक्षण में वार्म अप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए, शरीर को ऊर्जा देना। बी, शरीर को खेल गतिविधि के लिए तैयार करना। सी, खेल तकनीक में सुधार करना। और डी, पानी की कमी को पूरा करना। सही उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर होगा, शरीर को खेल गतिविधि के लिए तैयार करना। चेक करते रहिएगा अपनी नॉलेज आप लोग। तीसरा है, कूल डाउन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, ए, मांसपेशियों को आराम देना। बी, शरीर को समान स्थिति में लाना। सी, मानसिक तनाव को कम करना। और डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। और सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। पहले अपना बेसिक नॉलेज जानकारी लिख कर लीजिए, कितनी जानकारी है आपको। चौथा क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण में रिपीटेशन का क्या अर्थ है? एक ही व्यायाम को बार बार दोहराना। बी, नए व्यायाम को करना। सी, शरीर को आराम देना। और डी, खेल में तकनीकी सुधार करना। सही उत्तर बताइए। और सही उत्तर होगा, एक ही व्यायाम को बार बार दोहराना। ठीक है, पांचवा चलते हैं। खेल प्रशिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 4 और डी, 5। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा B3। ठीक, चौथा चलते हैं, एरोबिक प्रशिक्षण में मुख्यतः किस प्रणाली का विकास होता है? ए, हृदय और श्वसन प्रणाली। बी, मांसपेशियों की ताकत। सी, लचीलापन में सुधार। और डी, मानसिक विकास। इसका सही उत्तर बताना है। और सही उत्तर होगा इसका, हृदय और श्वसन प्रणाली में। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, एनारोबिक प्रशिक्षण किसके लिए उपयोगी होता है? ए, लंबी दूरी के लिए। और बी है शॉर्ट स्प्रिंट और शक्ति खेल के लिए। सी है ध्यान केंद्रित करने के लिए। और डी है मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर बताना आपको। और इसका सही उत्तर होगा बी, शॉर्ट स्प्रिंट और शक्ति खेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, खेल प्रशिक्षण में फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या होता है? ए, शरीर में लचीलेपन बढ़ाना। बी, मांसपेशी को मजबूत करना। सी, सहन शक्ति में सुधार करना। और डी, गति को तेज करना। इसका सही उत्तर बताना आपको। और इसका सही उत्तर होगा, शरीर के लचीलेपन को बढ़ाना। ठीक है, नौवां चलते हैं, स्पीड ट्रेनिंग में किस प्रकार के खिलाड़ियों की आवश्यक होती है? स्पीड ट्रेनिंग किस प्रकार के खिलाड़ियों के लिए आवश्यक होती है? लंबी दूरी के धावक के लिए, फुटबॉल खिलाड़ी के लिए, शॉर्ट स्प्रिंट धावक के लिए या क्रिकेट खिलाड़ी के लिए? नॉर्मल क्वेश्चन है, आप उत्तर बताइए इसका, शॉर्ट स्प्रिंट धावक के लिए। नेक्स्ट है दसवां क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण में प्लायोमेट्रिक्स किसके लिए उपयोगी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्ति और विस्फोट गति के विकास के लिए, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और वजन घटाने के लिए। इसका सही उत्तर होगा, शक्ति और विस्फोटक गति के विकास के लिए। ठीक है,
ग्यारहवां क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किसके लिए होती है? मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए, सहन शक्ति सुधारने के लिए, मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? और सही उत्तर होगा इसका मांसपेशी की ताकत बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं और अपना स्कोर देखते रहिए आप लोग। इंटरवल ट्रेनिंग में किसका संयोजन होता है? ए तेज गति और धीमी गति के व्यायाम का, बी लंबी दूरी की दौड़ का, सी मानसिक विकास का और डी लचीलेपन का। 12वां क्वेश्चन है, आपको उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर होगा तेज गति और धीमी गति के व्यायाम का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। खेल प्रशिक्षण में मॉडरेशन सिद्धांत का क्या अर्थ है? फिर से सुनिए, खेल प्रशिक्षण में मॉडरेशन सिद्धांत का क्या अर्थ है? प्रशिक्षण में संतुलन बनाए रखने के लिए, केवल हल्का व्यायाम करने के लिए, उच्च तीव्रता के व्यायाम करना और केवल मानसिक प्रशिक्षण करना। इसका सही उत्तर बताना है इसका, और इसका सही उत्तर होगा ये आपके सामने रहा, प्रशिक्षण में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन चलते हैं। फ्रीक्वेंसी सिद्धांत किस खेल प्रशिक्षण से संबंधित है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, फ्रीक्वेंसी सिद्धांत किस खेल प्रशिक्षण से संबंधित है? ए कितनी बार प्रशिक्षण किया जाता है, बी प्रशिक्षण की तीव्रता, सी प्रशिक्षण की अवधि और डी प्रशिक्षण का प्रकार। 14वां क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा कितनी बार प्रशिक्षण किया जाता है। 15वां क्वेश्चन चलते हैं। खेल प्रशिक्षण में स्पेसिसिटी सिद्धांत का क्या अर्थ है? स्पेसिसिटी का सिद्धांत क्या अर्थ है? ए खिलाड़ियों की विशेष जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देना, बी समूह में प्रशिक्षण देना, सी केवल लचीलापन बढ़ाना और डी है शक्ति प्रशिक्षण करना। 15वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लेकिन आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा खिलाड़ियों की विशेष जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण देना, स्पेशलाइजेशन जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुपरवाइज ट्रेनिंग किसके लिए आवश्यक है? सुपरवाइज ट्रेनिंग किसके लिए आवश्यक है? नए खिलाड़ियों के लिए, पेशेवर खिलाड़ियों के लिए, सभी प्रकार के खिलाड़ियों के लिए और केवल मानसिक खिलाड़ियों के लिए। 16वां क्वेश्चन है, अब कहाँ तक पहुँचे, कितना नंबर रिकमेंड्स करिएगा मेरे को। इसका सही उत्तर होगा सभी प्रकार के खिलाड़ियों के लिए। 17वां क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण में रिजेनरेशन क्या उद्देश्य है? ए शरीर को आराम देना, सुधार करना, बी प्रशिक्षण की तीव्रता को बढ़ाना, सी नई तकनीक सीखना और डी है मानसिक विकास करना। इसका सही उत्तर बताइए और वीडियो में कमेंट्स पक्का करिएगा, थोड़ा सा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक, इसका सही उत्तर होगा शरीर को आराम देना और सुधार करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षण में लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट LTAD इम्पॉर्टेंट है क्या है? खेल में दीर्घकालीन सुधार की योजना, बी त्वरित परिणाम प्राप्त करना, सी केवल मानसिक विकास पर ध्यान देना और डी है छोटे बच्चों के लिए प्रशिक्षण। 18वां क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा आपका केवल दीर्घकालीन सुधार योजना। 19वां क्वेश्चन है, देखिए क्या है। खेल प्रशिक्षण में प्रगतिशील अधिभार सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? फिर से सुनिए, खेल प्रशिक्षण में प्रगतिशील अधिभार सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? खिलाड़ियों की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना, उच्च तीव्रता के साथ तुरंत शुरुआत करना, खेल के दौरान मानसिक तनाव को कम करना। इसका सही उत्तर बताइए और इसका सही उत्तर होगा आपका खिलाड़ी की क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना। चलिए लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद आपसे स्पेशल क्वेश्चन ही पूछना है मेरे को। सर्किट ट्रेनिंग में किस प्रकार का व्यायाम किया जाता है? ए विभिन्न व्यायामों को एक सत्र में सम्मिलित करना, बी केवल एक ही व्यायाम बार बार करना, हल्के और भारी व्यायाम का संयोजन और डी है मानसिक क्षमता बढ़ाने का व्यायाम। इसका सही उत्तर बताना आपको, इसका सही उत्तर होगा विभिन्न व्यायाम को एक सत्र में सम्मिलित करना। ठीक है, ये 20 प्रश्न एक नमूना है, बाकी 125 प्रश्न भी इसी प्रकार से होंगे,
जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल प्रशिक्षण से जुड़े प्रश्न होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन था जो मेरे गेम से है, और ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो फिगर है ये किसका फिगर है? ठीक है, ये बताना है आपको, ये जो चित्र है ये किसका चित्र है, और अभी कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, जिस गेम के इवेंट हैं, इन्होंने क्या अचीवमेंट हासिल किया है, और ओलंपिक में क्या अचीवमेंट था इनका और है, ये बताना है आपको कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, देखें आपकी करंट की भी जानकारी कितनी है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल ऑफ यू।